एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। सो आज है मेरा बर्थडे। यस, इट्स माय बर्थडे टुडे। बर्थडे गर्ल, मम्मी ने अभी अभी खाना खाया है। मैं नहा चुकी हूँ और अभी बस रेडी होंगी, अपना हेयर स्टाइल वगैरह। हम बाहर जाएंगे अभी, 10 बज चुके हैं सुबह के, तो रेडी हो जाते हैं। दीदी भी अभी उठ के बस नहा ही रही हैं, नहा के हम फिर निकलेंगे। सो कैसे क्या सेलिब्रेशन रहता है वो सब मैं शूट करने वाली हूँ। सो वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, सो सुबह मुझे सबका आशीर्वाद मिल चुका है। एक मिनट, मैं बैठ जाती हूँ यहाँ। मुझे यहाँ बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज़ यहाँ से मुझे बाहर का भी दिख जाता है क्या चल रहा है, और यहाँ अंदर का भी। क्या इच्छिंग हो रही थी। तो आज मेरा बर्थडे है, और पिछले कुछ लास्ट बर्थडेज मैं मोस्टली मेरे जो खुद की बनाई हुई ड्रेसेस है मैं वो पहन रही हूँ, बिकॉज सूट वूट तो हम ऐसे काफ़ी वो होते हैं सेलिब्रेशन लाइक फंक्शन जहाँ पे हम इंडियन पहनते हैं, सूट पहनते हैं, लेकिन बर्थडे पे मैं कुछ ड्रेस पहनने वाली हूँ। अभी बस मैं एक बार कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। और गाइज, मैं मेकअप करते हुए का जो भी है वो वीडियो मोस्टली नहीं बना पाती, बिकॉज जब मैं ये सब करती हूँ तो रवि रेडी हो रहे होते हैं, तो ऐसे बन नहीं पाता थोड़ा सा, क्योंकि टाइमिंग का इशू हो जाता है। वैसे तो मेरी वीडियोस रवि ही शूट करते हैं, बट ऐसे में ना टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जाता है, दैट्स वाई। इसलिए जो भी है बीच बीच में मैं ही मिरर में दिखा दूँगी आपको, ठीक है? ओके गाइस, सो गाइस, मेरा हेयर ड्रेसर बालों को कर्ल कर रहे रवि। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सब कुछ सीखना पड़ता है। ऐसे तो हेल्प तो करनी पड़ेगी, अब मम्मी से थोड़ी ना हो पाएगी। दीदी फ्री नहीं थी, वरना दीदी से कराती। दीदी निकल लेंगी ना, दीदी कर देंगे फिर, तब तक तो आप सब कर ही दोगे, को कुछ कम ही रह गया। गाइस, रवि ने कुछ कसर छोड़ दी थी, कुछ क्या सारी छोड़ दी थी, दीदी ने तो एकदम नया लुक दे दिया। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। कुछ नहीं पहना मैंने, मेरे हाँ टॉप्स निकाले थे, ये और पहन रही हूँ बस स्टर्ट। और मैंने ये चेन पहनी है, रोज गोल्ड है, दिख रही है इसमें या नहीं पता नहीं। ये मेरे लास्ट बर्थडे पे मोम ने गिफ्ट की थी। और ये मेरा MS। मेरे हेयर कैसे लगे? ओ माय गॉड, मुझे कर्ली हेयर बहुत पसंद है। मैं रेडी हूँ बिल्कुल, रवि भी रेडी। इधर आओ, लेवेंडर इनके पास कुछ नहीं था मैचिंग के लिए, वाइट पहना, फिर ये भी मैच जा रहा है बिल्कुल। दीदी रेडी हो रहे हैं, और उधर से तन्नु भी रेडी हो चुकी है, मैसेज आया मेरे पास। सो गाइस, हम निकल लिए, ज्योति दी, मैं, रवि, सौरव। गौरव का एग्जाम है कल, दैट्स वाई वो नहीं आ पाया। आगे तन्नु वेट कर रही है हमारा, तन्नु उधर ही है, रितु भी उधर ही है, तन्नु जी जो रितु से टिकट मारा था बस नहीं देखी ना। ओके, मिलते हैं वहां पे लोकेशन पे। दी आज नेता जी। ओह, सो गाइस, रवि जी केक लेने चले गए, हम गाड़ी में। हाय सौरव, अब तो क्यों ये गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर रहा। अच्छे से हेलो बोल। हेलो, और मेरे को बर्थडे विश तो कर अच्छे से। कर दी थी रात को, है कर दी थी, अच्छे से कर दी थी।
यस। और रात की देखो अभी भी ये गाड़ी में एक चीज को सुती हुई कल रात ने बेटा की येलो और व्हाइट सी थीम थी ये बेलूना की। और वो मेरा वो नाइट सूट भी है ना वो भी थोड़ा येलो ही कलर था। ये ऐसे कैसे क्या चक्कर भाई हाथ में क्या है इनके कितनी गर्मी है बाहर आंखें भी नहीं खुल रही इतनी धूप है। ओके ऊपर जा रहे हैं अभी एक बार। सो गाइज हम ऊपर पहुंच गए थे तो कैफ़े की सीटिंग इस तरह से करा रहे थे कि सारे बंदे अच्छे से एडजस्ट हो जाए और अच्छे से सेलिब्रेशन हो। दैट्स वाई उसमें टाइम लग गया था और मैं शूट करने लगी थी। सब लोग अपने अपनी राय देके सेट करा रहे थे और फाइनली सब सेट हो चुका था। और मैंने ब्लू वाले पे बैठने का सोचा क्योंकि उस पर फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे और ये जो लाइटिंग वगैरह है वो भी अच्छे से अच्छी ग्रेस देंगी मतलब लाइट्स भी। और पीछे जो कर्टेंस लगे थे उस पर भी जो हैप्पी बर्थडे डेकोरेशन में जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है वो लगाना था तो वो भी अच्छे से दिखेगा। और वो रवि और सौरभ ने मिलके दोनों ने सेट किया बिल्कुल परफेक्ट। देन मैं अपने जो केक की है वो अनबॉक्सिंग करने स्टार्ट की मैंने तो केक मैं डर गई थी कभी ये वो हिल रहा था पूरा जो डमी बना रखी थी। और केक की जो थीम थी जिसका आइडिया था वो रवि का था काफ़ी अच्छा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कह रहे थे कि डिज़ाइनर के लिए ऐसा केक वो तो मुझे डिज़ाइनर ही मानते हैं बिकॉज मैं यहाँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ना उन्हें क्या पता कि डिज़ाइनर चलो जो भी है थैंक यू सो मच। देन गाइज उसके बाद मुझे एक गिफ्ट मिला था जो कि मेरी फ्रेंड ने दिया और वो पूछ रही थी कि गैस करो। देन मैं गैस कर रही थी ऐसे ही फिर ये जब खुला तो मुझे लगा रिंग लाइट है ऐसे ही मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ वो ऐसा ही लगा। फिर मैंने देखा ओपन किया कुछ इस पर लिखा हुआ था फ्रेम वगैरह तो मुझे दिखा कि मिरर है ये तो कि अच्छा है। फिर वो उन्होंने कहा कि ये स्विचो है जो कि ऑन करूं तो ऑन किया तो इतना प्यारा हमारा फ़ोटो उसने इंस्टाग्राम से लिया और कोई भी आइडिया नहीं था और इतना प्यारा गिफ्ट लगा। उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी मैंने केक कट किया एक दूसरे को हमने केक खिलाया। और गाइस केक दिखने में जितना सुंदर था खाने में भी उतना ही टेस्टी था। और रवि ने बिल्कुल ध्यान करते हुए मेरी चॉइस का मैंने बोला था मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है तो केक भी पाइनएप्पल ही फ्लेवर का था। कैफे से निकल लिए और अभी भी गर्मी है बहुत। हाँ जी थैंक यू हैप्पी बर्थडे। सो गाइस बहुत थक गई थी घर पे आ चुकी हूँ मैं हम सब आ चुके हैं
तो ये व्लॉग भी मैं यही ख़त्म करती हूँ। अब आगे जो भी होगा, जो भी हम करेंगे, अलग से शूट करूँगी। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, आप ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे। मम्मी चाला देखो, देखो यार, मैं बड़ा घूम का मैं है। बोल भी लोगे सब, बोल लो मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू।